सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है डॉक्टर्स ऑनलाइन विद डॉक्टर रश्मि राय। दोस्तों, हमारा ये शो बेहद खास है क्योंकि इस शो के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि आज इस संकट के समय में भी आप पॉजिटिविटी को साथ लेकर स्वस्थ रहकर मुस्कुराते हुए कैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। ये वो वक्त है जहां पर आपको हिम्मत भी रखनी होगी, विश्वास भी रखना होगा और सुरक्षित भी रहना होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं। तमाम जानकारियां लेने के लिए हमारे साथ मुंबई से एज एनहांस क्लिनिक से जुड़ी हैं जानी मानी डॉक्टर रश्मि राय। आपको बता दें कि डॉक्टर रश्मि राय लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मेटाबॉलिक एक्सपर्ट है, इसी के साथ वो इम्यूनिटी एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि राय का। डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेज़न प्राइम पर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार खुशबू। डॉक्टर, आज हम शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि कोरोना महामारी बन चुकी है, हम सभी जानते हैं। पिछले लंबे समय से ये देखने में मिल रही है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका प्रकोप है। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोगों को वाकई अभी समझ नहीं आ रहा है, ज़रा सी लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हमें बचाव करना है, हम घर पर रहें जितना हो सके, अपने खान पान पर ध्यान दें। बार बार ये कहा जा रहा है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हर तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसे में आज हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ताकि इस बीमारी से, इस महामारी से या फिर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें आ जाए। जी देखिए खुशबू, जब भी लोगों में एक स्ट्रेस और फियर बना होता है तो आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं नेचुरली। तो इसको हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बॉडी में जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड में आपके बॉडी में रिलीज होता है और आपके बॉडी में डैमेज करना शुरू करता है। उसी तरह मेंटल हेल्थ भी, अगर आपको मेंटल हेल्थ, अगर आपको एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी हो रही हैं तो ये भी फिर मेंटल और फिजिकल हेल्थ में मैनिफेस्ट करता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंटरकनेक्टेड है। इसी के साथ जो गट हेल्थ हम कहते हैं, अगर आप अपने पेट का भी ध्यान रखें अंदर से, अच्छे बैक्टीरिया को, अगर हम हमें अच्छे बैक्टीरिया को अपने पेट के अंदर रखें, इम्यूनिटी से लड़ना है तो हमें गट हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, ये तीन चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें इस तीनों चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए इन तीनों चीज़ों को। चलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने शरीर का हो, चाहे वो मानसिक संतुलन हो या फिर हमारे एनवायरनमेंट का हो। इन सब का संतुलन बनाकर जब हम चलेंगे तो यकीनन हम हिंदुस्तानी हर तरह के वायरस से, हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। इसी टॉपिक पर वापस रहेंगे लेकिन फिलहाल एक कॉलर हम लेते हैं। हमारे साथ विकल्प जी जुड़ रहे हैं कुल्लू से। विकल्प जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम हेलो। मैम एक्चुअली मेरी समस्या ये है कि मैं चेन स्मोकर हूँ, पिछले 10 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और अब मुझे अगर 1.5 घंटे 2 घंटे में सिगरेट ना मिले तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ पर कैसे छोड़ूँ ये समझ में नहीं आ रहा। कितनी उम्र है विकल्प आपकी? जी हेलो, मेरी उम्र अभी 32 है। 32 साल के हैं, पिछले 10 साल से लगातार चेन स्मोकर हैं। जी डॉक्टर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज जी। हमारी कॉलर ने सवाल पूछा है कुल्लू से, हमारे साथ जुड़े हैं विकल्प, के वो 32 साल के हैं, पिछले 10 साल से लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं और छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। इवन अगर उनको सिगरेट नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें मानसिक तकलीफ होने लगती है। क्या वजह है और क्या इससे निपटने का रास्ता है? जी स्मोकिंग जो है ये एक मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, ये एक एडिक्शन की तरह हो जाता है और इनकी उम्र भी बहुत छोटी है, 32 साल की उम्र के हैं। हर 2 घंटे में अगर ये स्मोक कर रहे हैं तो ये इनके लिए हालत के, इनके हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। तो इन्हें जितना हो सके, अभी ये राइट टाइम है क्योंकि उनके पास घर पे टाइम है, तो कोई भी चीज़ से जिसको, जिससे आपको एडिक्शन हो, भले वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल लेना हो, खाने पीने की चीज़ें से भी लोगों को एडिक्शन होती है, तो ये वो अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को डी एडिक्शन के लिए जर्नी में आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपने आप को
क्वेश्चंस पूछिए कि जो मैं आज कर रहा हूँ क्या मुझे 5 साल या 10 साल के बाद इससे कुछ बेनिफिट होगा या मेरे हेल्थ को ये कितना तकलीफ पहुँचाएगा। दूसरी चीज, आप जितना आपने बहुत ही यंग एज में आप स्मोकिंग करना आपने शुरू कर दिया है तो इससे आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके आर्टरीज जो है वो आगे जाके 5 साल 10 साल में ब्लॉक भी हो सकते हैं जिससे आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी आगे जाकर आ सकते हैं। तो प्लीज आप जितना हो सके अपने स्मोकिंग को बंद कीजिए। इस दौरान आप अपने स्मोकिंग को कम करने के लिए आप बहुत सारा फ्लूइड्स लीजिए, आप योगा या प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपके फेफड़े हैं वो बहुत वीक है स्मोकिंग करने से। तो प्लीज़ प्राणायाम कीजिए और आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए, और प्लीज़ जितना हो सके धीरे धीरे हफ्ते भर में आप सिगरेट्स के जो आपके जो काउंट है वो भी धीरे 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 धीरे, भले आप एक सिगरेट से ही ना क्यों ना शुरू करें बट आप धीरे धीरे एक सिगरेट से कम करना शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, अशोक फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कासगंज उत्तर प्रदेश से। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो स्मार्टफोन पे बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह देखा जा रहे हैं, सिर्फ 7-8 घंटे, तो जैसे अब ये पूछना चाह रहे हैं तो मतलब कितनी देर तक देख सकते लगा मतलब देखना चाहे तो कितना मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। जैसे अक्षरा दिवांग है वो तो कह रहे हैं 7 घंटे देखो, 8 घंटे देखो, 10 घंटे देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इससे थोड़े आंखों में दर्द भी हो रहा है, तो मतलब कितना टाइम पीरियड होना चाहिए देखने का? क्या फोन देखने की बात करें, टीवी देखने की बात करें? हाँ, नहीं टीवी स्मार्टफोन पे वीडियो वगैरह तो आंखों नहीं, टीवी नहीं स्मार्टफोन पे वीडियो देखने की। जी चलिए, खैर स्मार्ट दर्द वगैरह होने लगा। जी अशोक जी, हालांकि आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये सभी पर लागू हो सकता है, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे टीवीज हो या कंप्यूटर स्क्रीन्स हो। आजकल लोग खाली हैं तो घर में यही सब पर जुटे हुए हैं। जी डॉक्टर क्या कहेंगे आप? जी अभी जो है हम लॉकडाउन के टाइम से गुजर रहे हैं तो उसको उस नजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी इनको कि आप अपना जो रोज का जो डे है उसे आप प्लान कीजिए, आप एक वीकली प्लान बनाइए, एक रूटीन बनाइए, उसमें आप अपने सोने का टाइम, खाने का टाइम, एक्सरसाइज करने का टाइम और स्क्रीन टाइम जिसे हम कहते हैं जहाँ पे आप फोन पे बैठ के मूवीज देखेंगे या इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कीजिए। तो आप भले या लंच ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा टाइम या लंच टाइम या डिनर, कोई तो दो दिन में बस 2 बार आप अपना स्क्रीन टाइम रखिए जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो ये लाइट है उससे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। अभी स्मार्टफोन्स में भी एक लाइट होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लू लाइट, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें रेडिएशंस भी होते हैं और वो एक वेवलेंथ पे ट्रैवल करते हैं जो आपके सेल्स के, जो आपके बॉडी के सेल्स को भी डैमेज करता है, तो ये बहुत ही हानिकारक है। तो अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी आप दिन में हमेशा एक टाइम सेट करना जो आपका स्क्रीन टाइम होगा, और उसके अलावा अपने फोन में आप अगर कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज इंडल्ज ना कीजिए। सोने से पहले तो बिल्कुल ही जितना हो सके आप अपना फोन जो है दूसरे रूम में रखिए, सेम बेडरूम में मत रखिए, क्योंकि उसके वेवलेंथ और रेडिएशन से भी काफी हानिकारक चीजें हो सकती है अपने हेल्थ में। डॉक्टर लोग तो अपने पिलो के नीचे रखकर सोते हैं फोन। जी ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि फ़ोन जो है इसमें हम 3G 4G पे ऑपरेट करते हैं और आजकल तो 5G की भी चर्चा चल रही है, ये बहुत ही हानिकारक वेव्स है, रेडियो वेव्स है, रेडियो एक्टिवेशन है, ये आपके सेल्स आपके बॉडी में आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके बॉडी के सेलुलर डैमेज कितना हो रहा है इन रेस के वजह से। तो प्लीज़ पिल्लो के नीचे रखना या बेड साइड के बाजू में रखना, ये बिल्कुल ही, मैं अपने हर पेशेंट मेरे प्रैक्टिस में पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जो आपका फोन जो है आप अपने जो रूम में आप सो रहे हैं उस रूम में कभी ना रखें, किसी और रूम में रखें, ताकि इसके जो वेवलेंथ और रेडिएशन है आपके शरीर को अफेक्ट ना करे। जी चलिए, दीपिका जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना होता है कई बार जो लोगों को हो जाता है तो उसके बाद उनको 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाता है, क्या जरूरी है कि क्वारंटीन जब हो गया उसके बाद भी कोरोना होगा या नहीं, इसकी गारंटी श्योरिटी क्या होती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पर आप विस्तार पूर्वक बताएं।
जी जरूर, अगर आपको अगर आप लैबोरेटरी कंफर्म केस ऑफ कोविड 19 पेशेंट हैं और आपको 14 दिन लगे हैं पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, तो 14 दिन के बाद भी आपका एक ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट करते रहेंगे जब तक आप कोविड 19 नेगेटिव नहीं हो। अच्छा, अगर आपको थोड़े दिन में अगर आपको लगता है कि मुझे क्या कोरोना वायरस वापस हो सकता है, अगर आपको वायरस हुआ है तो आपके बॉडी ने वायरस के प्रति एंटीबॉडीज ऑलरेडी बना दिया है, यानी कि जो आपके बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो आपके सोल्जर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी वायरस से लड़कर वायरस को खत्म किया है और एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है जो आपको वायरस से फाइट करने में हेल्प करेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार वायरस होने से मुझे कोई भी हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, जैसे हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, या अपने आप को मास्क, बाहर जाते हुए मास्क नहीं पहनना, तो नहीं, आपको ये तो भी आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। अगर हाँ, आपको कोरोना वायरस हो सकता है आगे भी जाके, बट आपका जो इन्फेक्शन की जो गति होगी वो काफ़ी माइल्ड होगा, थोड़ा वायरल लोड भी कम होगा और जो आपके सिम्टम्स भी हैं शायद कम होंगे और आप ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगे क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं वायरस को लेकर। जी, तो चलिए संजीव जी से बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार रश्मि मैम। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, जी नमस्कार मैम। जी संजीव, तो सब ये पूछना आपका आपके फोन का नेटवर्क नहीं लग रहा है संजीव जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तब तक हम आपको ये बता दें कि हमारा यह प्रोग्राम आज के दौर में बेहद खास इसलिए है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप ये जान सकते हैं कि कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से कैसे बचा जाए। ये वो वायरस है जो किसी को भी नहीं देखता है और किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या छोटे से छोटा मजदूर क्यों ना हो, ये वायरस सबको समान तरीके से परेशान करता है। अगर एक बार आपको ये टच कर गया तो फिर कितनी परेशानी आपको होने वाली है ये शायद आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आप इस वक्त घर पे हैं, और हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ये वायरस और ना फैले, आप तक ये वायरस बिल्कुल ना पहुंचे, आप बिल्कुल घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें। इसी को देखते हुए हमने अपने चैनल पर ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि घर बैठे आप डॉक्टर रश्मि से जान सकें कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो तमाम बीमारियां हमारे आसपास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, बीपी हो सकता है, कई बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को आजकल के समय में खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल करें, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव जी से संपर्क हमारा हो चुका है, बात कर लेते हैं। संजीव जी एक बार फिर से स्वागत है, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैम मेरी वाइफ को पिछले 10 साल से माइग्रेन है, उसकी वजह से ये मेडिसिन खा रहे हैं 10 साल से। जी, तो माइग्रेन से कैसे तो पीछा छूटे, 10 साल से माइग्रेन है इनकी वाइफ को। जी, आपकी वाइफ को अगर 10 साल से माइग्रेन है तो इसमें एक अंडरलाइन कॉज जरूर है, और अगर तक वो अभी तक ट्रीट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो यानी उनका जो अंडरलाइन रूट कॉज है कि जड़ से जो बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, क्या रीज़न है, वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं इनको एक जो इनका डाइट होगा वो एक अल्कलाइन डाइट, अगर वो जितना मेंटेन कर पाते हैं बहुत ही बेटर है। अगर इनके डाइट में प्रोटीन्स और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो बहुत ही 25% ऑफ द डाइट इनका प्रोटीन्स होना चाहिए, 15% इनका कार्ब्स होना चाहिए और 5% फैट्स होना चाहिए। इसके अलावा वो दिन भर में एक हर्बल टी की तरह, जिसे हम कहते हैं जीरा पानी, वो जीरा पानी पी सकते हैं या सौंफ का पानी पी सकते हैं, जिससे जिनसे इनको माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट ना हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो माइग्रेन पेशेंट्स को मैं मेरे प्रैक्टिस में, हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन के, हम उनको बिना दवाइयों के भी ठीक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक पेपर बॉल्स लें और उसको आप अगर पानी में उबालें और आप अगर उस पानी को पिए, तो उससे आपको माइग्रेन के हेडेक में काफ़ी
राहत मिलती है। और जैसे आपको अगर आपको हेडेक होता है तो आप बिल्कुल ही एक कमरे में बिल्कुल लाइट्स बंद कर कर आंखें बंद कर कर लेट जाइए और कोई भी तरह का लाइट एक्सपोजर अपने आईज पे ना डालिए क्योंकि उससे हेडेक आपका माइग्रेन की जो तकलीफ है वो ज्यादा बढ़ेगा। बट रोज की जिंदगी में आप जो ब्लैक पेपर है उसको पानी में अगर आप डाल के उबाल के पी लें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा माइग्रेन के लिए। चलिए शुक्रिया डॉक्टर। महेश जी हमारे साथ फिरोजपुर से जुड़ रहे हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। मैम ये पूछना चाहता हूँ कि अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएं अपना वेट को रिड्यूस करने के लिए। जी जी जी, अगर आपको आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो मेटाबॉलिज्म जो चीज़ है ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो मेटाबॉलिज्म जो है आप बहुत सारी चीज़ों से अपना अगर आपको वेट लूज करना है तो सबसे पहले आप जो है आपका जो लाइफस्टाइल पैटर्न है उस पे आप ध्यान दें कि आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, आप डाइट में रोज क्या आपकी स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम सेम होता है, आप अपने शरीर के बॉडी क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप बॉडी के सर्काडियन रिदम को फॉलो करते हैं या बॉडी क्लॉक को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म रीसेट, तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है रीसेट होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्टार्टिंग चीज आप जो कर सकते हैं वो है जो एक फास्टिंग का टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप आपके एटलीस्ट दिन में जो है आप जब डिनर कर लेते हैं और डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में 12 मिनिमम 12 घंटे का गैप रखिए आप, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने जो लास्ट खाना खाया होगा शाम को डिनर में वो आप उसको उतना टाइम मिलेगा आपके बॉडी को 12 घंटे मिलेंगे पूरा उस डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उससे रिपेयर करने के लिए। तो आपके बॉडी को पूरी अच्छी तरह से टाइम गैप दीजिए फास्टिंग से और आप फिर अगले दिन सुबह जैसे ही 12 घंटे हो जाते हैं आप अपना खाना शुरू कर सकते हैं। और अभी खाने में भी आप पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड ग्रेन्स या रिफाइंड चीज़ें आप बिल्कुल ना लीजिए। जो भी चीज़ पैकेट से आती है बाहर उससे प्लीज़ ना टच कीजिए। और आप फास्टिंग के द्वारा एटलीस्ट मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं 12 घंटे फास्टिंग कर जो आपका लंच ब्रेकफास्ट डिनर है वो ले सकते हैं। उनके बीच में स्नैकिंग मत कीजिए, 3 अच्छे मील्स खाइए, धीरे से अपने फूड को चू कीजिए। जी गुलशन जी से बात करते हैं, मंडी डबवाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए गुलशन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर यहाँ हमसे आपसे जानना चाहेंगे, जब हम पूरे शरीर की बात करते हैं तो उसमें हर तरह की चीज़ आ जाती है, उसमें इम्यूनिटी भी आ जाती है, उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम भी आ जाता है, उसमें हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वो भी आ जाता है, डाइजेशन सिस्टम भी आ जाता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोने तक ये पूरा दिन हम अपने थाली को कैसे डिज़ाइन करें कि सुबह हमें क्या खाना है, कितने गैप पर क्या लेना है, फिर दोपहर के लंच में क्या, रात के डिनर में क्या, ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताइए क्योंकि हमें शायद बीइंग इंडियन हमें ये अब तक पता ही नहीं है कि हमारे खाने का चार्ट, फूड चार्ट जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का वो कैसे डिज़ाइन होना चाहिए। जी एक एवरेज अडल्ट के लिए जो फिट है और जिनके पैरामीटर्स सारे ठीक है उनके लिए जो नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले आप एक अपना जैसे कहते हैं एक रूटीन सेट कीजिए जहाँ पे आप 2 से 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं रोज के इसमें तो आप अपना जैसे हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी फूड्स ले सकते हैं, जैसे आप आंवला का शॉट ले सकते हैं, एक आंवला का जूस भी इनफ है, इसमें काफ़ी विटामिन सी होता है तो आप अपना जो दिन है इससे शुरू कर सकते हैं। या आप नींबू पानी पानी में नींबू डालकर लूकवॉर्म वाटर जिसे हम कहते हैं उससे भी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें भी विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप अपने अगर मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप दिन में जो है 2 बार कुक्ड फूड खाइए और मॉर्निंग एक टाइम पे आप जितना हो सके रॉ फूड खाइए। तो वो सुबह का जो टाइम है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो वेजिटेबल जूस या फ्रूट्स खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लंच और डिनर है वहाँ पे आप कुक्ड फूड खाइए, ज़रूर कुक्ड फूड खाइए। और जो
सुबह के टाइम पे है, आप कोई भी तीन प्रकार का वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं और उसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं जी। और उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, आप बिल्कुल भी फ्रूट्स को ना खाए, फ्रूट्स जूस ना पिए, फ्रूट्स को अगर आपको खाना है तो आप फ्रूट्स कट कर कर खाइए, उनका जूस बनाकर मत पीजिए। अभी फ्रूट्स में जो विटामिन सी की जो मात्रा आप ले सकते हैं वो आपकी स्ट्रॉबेरी हुआ, कीवी हुआ, जो आपका अनार है उसमें भी काफी अच्छा इम्यूनिटी है, काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अनार, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ये कई फ्रूट्स हैं जिससे आपको विटामिन सी मिल सकते हैं, आप इनका जूस मत कीजिए इन चीजों को। फिर आप खाना खाने के टाइम पे आपका जो प्लेट है इसमें 25% प्रोटीन्स होना चाहिए, 15-20% कार्ब्स होना चाहिए और 5-10% जो है गुड फैट्स होने चाहिए। अभी प्रोटीन्स यानी आप फिश, चिकन, एग्स, पनीर, सोया ले सकते हैं अगर आपको थायराइड नहीं है तो। और उसके अलावा आप जो वेजिटेबल्स है वो 2 कटोरी वेजिटेबल्स आप रोज लीजिए, जो अच्छे न्यूट्रिशियस वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं। आलू के अलावा आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन्स खा सकते हैं और गुड फैट, आपका खाना जो है आप वो अर्दन ऑयल में या तो फिर घी में आप कुक कीजिए पूरे दिन के लिए। 2-3 टेबलस्पून घी बहुत है आपके लिए। उसके बाद खाना खाने के बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे आपने जीरा पानी अगर आपको लेना है तो जीरा को पानी में डालकर उबाल कर आप पी सकते हैं। सौंफ का पानी जो है वो आप ले सकते हैं, हर्बल टी की तरह पूरे दिन में 6-7 ग्लास आप ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें ये एक मेडिकल एडवाइस की तरह आप ना ले, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और शाम के टाइम पे भी अगर आप ज्यादा प्रोटीन्स खाएं और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दी, जैसे अगर आपने चावल, रोटी, आप जितना हो सके शाम के टाइम पर कम लीजिए और आप वेजिटेबल्स और जो प्रोटीन्स है वो ज्यादा लीजिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी में जो डाइजेशन है वो शाम को 5 या 6 बजे के बाद कम हो जाती है। आपकी बॉडी ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती फूड रात के टाइम पर, तो आपके जो रात का जो डिनर है वो जितना हो सके आप लाइट रखिए और बेशक 12 घंटे का फास्टिंग रखिए डिनर और अगले दिन ब्रेकफास्ट के बीच में, जिससे आपके बॉडी को पूरा समय मिलता है जितना भी आपने दिन में खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, रिपेयर, वेयर एंड टेयर करने के लिए। तो जी हाँ, फास्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो हम शाम के खाने में दाल और या कम चावल वाली दाल, ज्यादा वाली खिचड़ी, थोड़ी लिक्विड खिचड़ी, इस तरह से बनाकर भी ली जा सकती है जी। आप बेशक खिचड़ी, तो मैं कहती हूँ हर पेशेंट्स को, मेरे जो पेशेंट्स हैं हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप हफ्ते में 2-3 बार खिचड़ी खा सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी खा सकते हैं घी डालकर, आफ्टरनून टाइम में बेटर है। अगर आपको इवनिंग टाइम में खिचड़ी खाना है तो आपको 7-7:30 बजे के पहले खाना होगा, क्योंकि आप जितना लेट राइस खाएंगे और उतना आपके शरीर के लिए फिर वो हानिकारक होता है। डायबिटिक्स के लिए भी अगर वो राइस खाना चाहते हैं तो वो दोपहर के टाइम पर खाएं, शाम के टाइम पर अवॉइड करें, बेटर है। अगर आप वेजिटेबल खिचड़ी, सारे वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी खाना चाहते हैं, पर खिचड़ी जो है राइस का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का बनता है, अमरंथ का बनता है, बकवीट का बनता है, बहुत सारे दूसरे ग्रेन्स भी हैं, होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं ब्राउन राइस, उसके उन चीज़ों का भी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं आप। तो खिचड़ी भी बेशक बहुत हेल्दी है और ये कंफर्ट फूड है, तो आप बेशक खा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जैसे हाँ जी, आज हमें ये पता चला कि वाकई एक व्यस्क व्यक्ति की थाली में सुबह से लेके रात को सोने तक क्या क्या होना चाहिए, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास रहती हैं लेकिन शायद उन्हें हम सीरियल वाइज नहीं लगा कर लेते हैं। हम जब हमारा मन आता है, जो चीज़ हमारे मन आती है हम वो खा लेते हैं, लेकिन ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त कौन सी चीज़ खाएं, आपका जो शरीर है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कब एक्सेप्ट कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कब उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। डॉक्टर रश्मि ने बहुत ही डिटेल में, बहुत खूबसूरत तरीके से को यह समझाया है कि कितने बजे क्या क्या चीजें लेनी है और क्या क्या चीजों से आपको बचना है। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलजीत जी लुधियाना से। कुलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस समय इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हाँ जी, साथ साथ में एक और बात कहना चाहूंगा मैं, अभी भी हमारे जो समाज है उसमें ऐसे अंतर मौजूद हैं जो इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे,
कि इसका कितना खतरनाक प्रभाव आने वाले समय पड़ने वाला है। तो मैं डॉक्टर साहब को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक बार फिर आप बताइए कि इस चीज को हम और कैसे अच्छी तरह से इस चीज से दूर रह सकते हैं ताकि हम अपने घर पे और अपनी फैमिली के साथ सही समय ठीक रह सके। जी आपका जो सवाल है कि अभी भी लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं और अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं कि ये बीमारी हमको ना आए, तो सबसे पहले जो लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत फहमी में है कि इसे सीरियसली नहीं लेने से आप इस महामारी से बच पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। आप प्लीज़ उन लोगों के बारे में सोचिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज़ या प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हैं उनको अगर ये बीमारी छू जाती है तो उनको बहुत ही तकलीफ हो सकती है, हानिकारक हो सकता है, हो सकता है कि वो ये बीमारी से वापस भी ना आए। दूसरी बात, आप अपने आपके घर में आपके कम्युनिटी में एग्जाम्पल सेट कीजिए एज अ फैमिली एज अ व्यक्ति कि अगर आपको नहीं करना तो मैं एटलीस्ट ये चीज़ें करूँगा, ताकि एटलीस्ट आप एक लोग अगर आपको अगर कोई देखकर सीख भी जाता है, आप एज एन एग्जाम्पल बनिए, आप एज एन इंस्पिरेशन बनिए दूसरे लोगों के लिए बाय प्रैक्टिसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, बाहर जाते वक्त मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी रखना और घर पर आकर जो भी आपके ग्रोसरीज को टैप वाटर के थ्रू रन करना और बेशक एक्सरसाइज करना, एक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल मेंटेन करना, 6 फीट की डिस्टेंस रखना और सारे जो हमारे सरकार की जो हमारे जो सरकार की जो मांग है। शायद डॉक्टर रश्मि का संपर्क स्काइप से टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ये बता दें कि जान है तो जहान है, आप अपनी फिक्र जितनी करेंगे आपका परिवार भी उतना ही सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ रही हैं और मुझे लगता है कि हमारा समय भी हो गया है। डॉक्टर रश्मि कल हम फिर से चर्चा करेंगे, आज भी जो तमाम जानकारियां दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम हाजिर होंगे एक खूबसूरत टॉपिक पर, आपके बॉडी का जो सिस्टम है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपके सवाल भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और Amazon Prime के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए Amazon Prime। नमस्कार।